नमस्कार, मैं हुजय कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द पॉइंट ऑफ स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है और इससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, इन 5 राज्यों के लोग भी अब इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश के 5 और राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया है। अब इस योजना का लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस योजना से क्या लाभ होने वाले हैं और इस योजना का क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के 5 और राज्यों को इस योजना से जोड़ दिया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव भी अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ उठा सकेंगे। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था। अब देश में कुल 17 राज्य हो गए हैं जो इस योजना से आपस में जुड़ जाएंगे। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। केंद्र सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को आगामी 1 जून से पूरे देश में लागू करने का ऐलान कर रखा है। पासवान ने बताया कि 12 राज्यों में पहले से ही यह योजना लागू की जा चुकी है। अब इन राज्यों में भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी जाएगी। रामविलास पासवान के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बताया गया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की दिशा में आज एक कदम आगे बढ़ाते हुए 5 और राज्यों बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव को इससे जोड़ा गया है। 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों के आपस में जोड़ा गया था। आज से 17 राज्य इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ PDS से जुड़ गए हैं। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बता दूं कि 12 राज्य पहले से ही लागू है इस योजना के अंदर। जैसे कि किसी भी राज्य का आदमी यहां पर राशन ले सकता है। आपको बता दें कि इस योजना के लागू होने के बाद किसी भी राज्य का आदमी किसी भी राज्य से राशन ले सकता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 से शुरू होगी। इस योजना में पुराना राशन कार्ड भी मान्य होगा। देश के 12 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना से राशन मिलना होगा आसान। इस स्कीम के तहत किसी को भी नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। 12 राज्यों में 1 जनवरी से लागू हो चुकी है जो राशन कार्ड की नई स्कीम एक देश एक राशन कार्ड मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत पूरे देश में PDS धारकों को देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिल सकेगा। इसके साथ ही साथ इस योजना के तहत PDS के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी POS डिवाइस से की जा सकेगी। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश भर में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न मुहैया करवाती है। इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए सभी PDS दुकानों पर POS मशीन लगाई जाएंगी। जैसे जैसे राज्य PDS दुकानों पर 100% POS मशीन की रिपोर्ट देंगे, वैसे वैसे उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में भी शामिल कर लिया जाएगा। इस योजना का मकसद लाभार्थियों को स्वतंत्रता देना है ताकि वे भी किसी PDS दुकान से बंधे नहीं रहे। इससे दुकान मालिकों पर भी निर्भरता घटेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। तो फ्रेंड्स, वन नेशन वन राशन कार्ड से यह फायदा होने वाला है कि अब आप किसी भी स्टेट में मतलब भारत के अंदर किसी भी राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से आप इस कार्ड की सहायता से अपना राशन का उठाव कर सकते हैं और इसमें भ्रष्टाचार की तो बिल्कुल कमी आएगी, क्योंकि पहले जो ग्राहक थे एक ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से बंधे हुए थे। अब उन्हें स्वतंत्रता है कि किसी भी दुकान से अब अपना सामान ले सकते हैं। इनसे भ्रष्टाचार में कमी आएगी और जो भी स्वतंत्र है ग्राहक भी स्वतंत्र होंगे और जहां से मर्जी हो वहां से अपनी स्वेच्छा के अनुसार राशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारी चैनल द पॉइंट ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ में इसी तरह की न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें। अंत में आप सभी का मित्रों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।